हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अभी जो सारे आईपीओ चल रहे हैं उनका लेटेस्ट री मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन जानेंगे। किसी किसी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में आखिरी दिन है, तो क्या उन आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी जानेंगे। उसके अलावा किसी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पहला दिन था तो पहले दिन कितना पैसा लगा है, कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा आईनॉक्स का आईपीओ, उसका अलॉटमेंट स्टेटस को लेकर क्या अपडेट है वो भी जानेंगे। और उसके अलावा डॉम्स आईपीओ और इंडिया शेल्टर का आईपीओ, इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हालांकि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक तो उसकी लिस्टिंग नहीं हुई है, पर मैं जब वीडियो लाइव कर दूंगा तब लिस्टिंग हो जाएगी। पर आगे क्या करना चाहिए वो थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे। अब लिस्टिंग प्राइस मुझे नहीं पता कि क्या लिस्टिंग प्राइस होगी, हम तो सिर्फ एक गैस लगाएंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉम्स आईपीओ और इंडिया शेल्टर के आईपीओ को क्या करना चाहिए, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाए। तो सबसे पहले बात करें डॉम्स आईपीओ की, तो डॉम्स आईपीओ हमें कितने में अलॉट हुआ है, 790 रुपए के अंदर। जीएमपी क्या चल रही है, मतलब ग्रे मार्केट का प्रीमियम, 510 रुपए। अभी मुझे नहीं पता क्योंकि अभी लिस्टिंग होने वाली है और जब वीडियो लाइव होगा तब लिस्टिंग हो चुकी होगी। तो जीएमपी के अनुसार जो उसकी लिस्टिंग प्राइस आ रही है 1300 रुपए जीएमपी के अनुसार है, मेरे अनुसार नहीं है, ठीक है। तो 60% के आसपास हमें प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल सकता है जिस हिसाब से जीएमपी चल रही है। हो सकता है डिमांड और अच्छी हो तो और भी अच्छा हमें लिस्टिंग गेंस मिल जाए, डिमांड थोड़ी सी कम हो तो थोड़ा कम लिस्टिंग गेंस मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो ये तो ठीक है, चलो अब हमें आगे क्या करना चाहिए, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएं। तो इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं, उस बेसिस पर आप डिसीजन बना लीजिएगा। तो इसके अंदर सबसे बड़ा नेगेटिव क्या है, इसकी वैल्यूएशंस बहुत हाई है, महंगी वैल्यूएशंस पर ये आईपीओ आया है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव है। उसके अलावा कोई खास नेगेटिव्स नहीं लगे। उसके अलावा बाकी सारे इसके अंदर पॉजिटिव्स है, जैसे इसकी एंकर लिस्ट बहुत ही शानदार आई थी, बड़े बड़े एंकर लिस्ट शामिल है, एफआईआई की बात करें या डीआईआई की बात करें। उसके अलावा इसको सब्सक्रिप्शन बहुत ही अच्छा मिला था QIBs NII से, तो वो भी काफी अच्छी बात है, पैसा जमकर बरसा था। फिर इसके अलावा इसका सेक्टर बहुत ही बढ़िया है, डिमांडिंग सेक्टर है, सदाबहार सेक्टर है, ऐसी चीजों की डिमांड हमेशा रहती है और डिमांडिंग भी है। और इसके अंदर कंपटीशन भी खूब है, ये नेगेटिव है कि कंपटीशन इसके अंदर खूब है, बहुत सारी कंपनियां हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड खूब सारी कंपनीज है, छोटी मोटी बहुत सारी कंपनी से कंपटीशन मिलता है। पर इसके अंदर खास बात यह है कि डॉम्स ने पिछले कुछ सालों में अपना काफी बढ़िया नाम जमाया है और डॉम्स का अभी ब्रांड वैल्यू भी काफी अच्छी है, इसके प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छे आते हैं, तो ये इसके लिए बेनिफिट हो जाता है कि इसके प्रोडक्ट्स मार्केट से थोड़ा अलग सेल होते हैं। फिर उसके अलावा कंपनी ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है, बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर दी है और खूब अच्छी ग्रोथ करके पेंसिल्स वगैरह या स्टेशनरी प्रोडक्ट्स में आगे निकल गया है। और उसके अलावा इंडिया के अलावा बाहर काफी सारी कंट्रीज में अपना जो ये प्रोडक्ट्स है वो काफी सारे सेल करती है, तो ये भी इसके लिए बेनिफिट है। फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, ROE ROC काफी अच्छी है, तो बाकी सारी चीजें अच्छी है। अब तो लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि भी महंगा है होल्ड करें या सेल करें, तो ये भी कर सकते हैं कि भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लो, थोड़ा बहुत होल्ड कर लो, इस तरह से स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, मतलब आधे सेल कर सकते हैं आधे होल्ड कर सकते हैं, या चाहे तो पूरा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, 60% प्रॉफिट कम नहीं होता है, और चाहे तो पूरा भी होल्ड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इसके अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है, तो उस हिसाब से आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। बाकी मैंने इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सारी चीजें आपको बता दी है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे या सेल करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों, इंडिया शेल्टर का आईपीओ, इंडिया शेल्टर का आईपीओ जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस का जो सेक्टर है वो भी सदाबहार सेक्टर है, पर उसके अंदर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड काफी सारी कंपनियां लिस्टेड भी है, अनलिस्टेड कंपनीज भी खूब है। तो ये आईपीओ हमें 493 रुपए के अंदर अलॉट हुआ था, ठीक है, 157 रुपए इसकी जीएमपी चली, जीएमपी बता रहा हूँ, ग्रे मार्केट का प्रीमियम मेरे अनुसार नहीं बता रहा हूँ, जो मार्केट के अंदर डिमांड चल रही है वो बता रहा हूँ। तो जीएमपी के अनुसार जो इसकी लिस्टिंग प्राइस आ रही है 650 रुपए, 650 रुपीज पर शेयर, ये जीएमपी के अनुसार बता रहा हूँ, 30% लिस्टिंग गेंस हो सकता है जीएमपी के अनुसार। खैर अब चलो, जो हो जितना भी लिस्टिंग गेंस मिले भाई, डिमांड अच्छी रही तो उससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी मिल सकता है, डिमांड कम रही तो उससे कम भी मिल सकता है, ये तो चीज होती है। अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएं। अब इसके अंदर भी कुछ पॉजिटिव्स है कुछ नेगेटिव्स है। तो देखिए, सेक्टर तो बहुत ही बढ़िया है, सदाबहार सेक्टर है, ऐसी चीजों की डिमांड रहती है, फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, लोन वगैरह देती है कि ब्याज से इसकी कमाई होती है, पर इसके अंदर कंपटीशन खूब है, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, इतना ज्यादा कंपटीशन है इस सेक्टर के अंदर, कोई भी दूसरी कोई अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दे दे, अट्रैक्टिव ब्याज दरों पर कोई भी लोन दे दे तो लोग वहां शिफ्ट हो जाते हैं, तो कंपटीशन तो खूब है। और मैंने हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनियां देखी है, मतलब ज्यादातर स्ट्रगल करती हुई, मतलब इतना ज्यादा मैंने ग्रोथ नहीं देखी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर, हालांकि सेक्टर काफी बढ़िया है, बट फिर भी
थोड़ा थोड़ा इनके अंदर स्ट्रगल होता है। इसी कारण मुझे सेक्टर जो है ठीक ठाक लगा। सदाबहार है, डिमांड तो रहती है पर कंपटीशन है, इस कारण मुझे ठीक ठाक सेक्टर लगा इसका। बाकी इसके अंदर पॉजिटिव ये है कि इसके एंकर लिस्ट बहुत ही बढ़िया आई है, मतलब अच्छी एंकर लिस्ट कह सकते हैं। फाइनेंशियली भी ठीक है, वैल्यूएशन ना ज्यादा महंगी ना ज्यादा सस्ती है और उसकी आरओई आरओसी कम है, ये नेगेटिव बात है। तो इसके अंदर तो ये है कि भाई नेगेटिव्स थोड़े से ज्यादा हैं, मतलब ऐसा एकदम से नहीं कह सकते कि भाई आंख बंद करके इस सेक्टर के अंदर जाया जाए। मतलब मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है, अब आप लोग क्या करेंगे, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे या लिस्टिंग में लेकर एग्जिट हो जाएंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं बाकी सारे आईपीओ को सब्सक्रिप्शन कैसा मिला है और लेटेस्ट ग्रीन मार्केट का प्रीमियम क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हैप्पी फॉर्जिंग्स का आईपीओ जो अच्छा चल रहा है, वो आईपीओ उसको पहले दिन 2.38 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, पैसे लगे हैं करीबन 1679 करोड़ रुपए। क्यूआईबी को छोड़ के बाकी सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं और इसकी जीएमपी चल रही है 52%, 444 रुपए पर शेयर 17 शेयर्स का लॉट है, 7548 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 52 मतलब 52% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। दोस्तों मुथूट माइक्रोफिन का आईपीओ, इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में आखिरी दिन है। दो दिन के अंदर इसको जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 3 गुना के आसपास और 2025 करोड़ रुपए लग चुके हैं इस आईपीओ पर। उसकी जो जीएमपी चल रही है लगभग 12% के आसपास, अभी कम डिमांड चल रही है इस आईपीओ की, लगातार घटती जा रही है क्योंकि इतने सारे आईपीओ से मैंने आपको कहा था कि भाई दूसरे आईपीओ पर जरूर इफेक्ट पड़ेगा जो इतने खास नहीं है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो क्वालिटी आईपीओ होते हैं उनकी ही डिमांड ज्यादा रहेगी। फिर दोस्तों मोती सन्स ज्वेलर्स, इस आईपीओ में भी अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में आखिरी दिन है। टोटल ये दो दिन के अंदर 56 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, 6000 करोड़ रुपए लग चुके हैं। बहुत ही छोटी साइज का ये आईपीओ है, 150 करोड़ रुपए के आसपास का ही है, 6000 करोड़ रुपए लग चुके हैं और इसकी जो जीएमपी वो थोड़ी सी डाउन हो गई है, पहले 110 रुपए के आसपास चल रही थी, आज की तारीख में 80 रुपए पर शेयर चल रही है। 250 शेयर्स का लॉट है तो भी 20000 रुपए एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 140%, 140% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। अभी भी डिमांड अच्छी है और मैंने आपको कहा भी था कि अभी जीएमपी को लेकर काफी सारी बातें चल रही है, जीएमपी का डेटा फेक भी हो सकता है मोती सन्स को लेकर। अब पता नहीं है या नहीं है वो मुझे जानकारी नहीं है, पर ऐसी बातें चल रही थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर दोस्तों सूरज स्टेट का आईपीओ, दो दिन के अंदर 2.60 गुना सब्सक्राइब हुआ है, पैसे लगे हैं 726 करोड़ रुपए, सबसे कम इस आईपीओ पर पैसे लगे हैं और इसकी जीएमपी चल रही है 18-20% के आसपास। इस आईपीओ में भी अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में आखिरी दिन है, डिमांड अभी 20% से कम है। आरबीजेड ज्वेलर्स, पहला दिन था इस आईपीओ में अप्लाई करने का, 2.31 गुना ये सब्सक्राइब हो चुका है, 182 करोड़ रुपए लग चुके हैं और जीएमपी अभी तक ओपन नहीं हुई है, मतलब अभी डिमांड नहीं है इस आईपीओ की। दोस्तों मुफ्ती जींस या क्रेडो ब्रांड आईपीओ, पहले दिन 2.13 गुना सब्सक्राइब हुआ है, 821 करोड़ रुपए लग चुके हैं इस आईपीओ पर और इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम 51 मतलब 51% जैसा चल रहा है, 145 रुपए पर शेयर, 53 शेयर्स का लॉट है, 7685 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 50% से ऊपर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। अभी तो डिमांड ठीक चल रही है और एंकल दिस भी ठीक ठाक आई है और रिव्यू का वीडियो मैं डाल चुका हूं, वो भी देख लीजिएगा। फिर दोस्तों आज एक और आईपीओ ओपन हुआ है, आजाद इंजीनियरिंग का आईपीओ, उसकी जीएमपी 440 रुपए पर शेयर, 28 शेयर्स का लॉट है, 12320 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 84% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है और इसकी एंकल लिस्ट भी आ चुकी है, मैं आपको शाम को डिस्कस करूंगा इसकी एंकल लिस्ट। हालांकि इसका सेक्टर बहुत ही बढ़िया है, मैंने आपको रिव्यू वाले वीडियो के अंदर जानकारी दी है पर इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स मुझे थोड़े से डामाडोल लगे, तो वो रिव्यू वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। और फिर दोस्तों कल एक और आईपीओ ओपन होने वाला है, इनोवा कैपटेप का आईपीओ, तो उसका भी ग्रे मार्केट का प्रीमियम शानदार चल रहा है, 40% से ऊपर ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, 210 रुपए पर शेयर, 33 शेयर्स का लॉट है, 6930 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 40% से ऊपर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स, उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।